तो आ गए हैं फाइनली 12:15 बजे 700 किलोमीटर लोंगे वाला अहमदाबाद से। सो लोंगे वाला हमारा हो गया है और अहमदाबाद से लेकर लोंगे वाला तक 700 किलोमीटर हुआ हमारा टोटल। और यहाँ पे बहुत सारे बाइक है, अभी हम जाएंगे तनोट और उसके बाद हम जाएंगे बैक टू पेवेलियन यानी जैसलमेर, और आज हमें पहुँचना है बाड़मेर। तो देखते हैं कितने टाइम में पहुँचते हैं, क्योंकि अभी बजिया एक, खाना भी बाकी है, तो जितना हो सकेंगे उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। सारे हार्ली डेविडसन मेरे पीछे आ रहे हैं और ये सारे चंडीगढ़ पंजाब से हैं, तो वन बाय वन अभी क्रॉस करने ही वाले हैं, क्योंकि उनकी लाइट दिख रही है, उसका साउंड ही पूरा अलग है। अभी थोड़ी देर में आपको कैमरा में देखने को मिलेगा, बहुत ही क्लोज आ गए हैं। तो फाइनली हम लोग हमारे कैंप से बाहर आ चुके हैं और जो अभी घड़ी में टाइम बता रहा है 9:30 को हमने राइड स्टार्ट कर दिया है। और हमारा अभी कैंप के बाद हमारा पहला डेस्टिनेशन है लोंगेवाल वॉर म्यूज़ियम, वॉर मेमोरियल कह सकते हो। तो वहाँ पे हम जाने वाले हैं। सामने की तरफ बना हुआ है एक चेक पोस्ट का एक दरवाजा जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमाओं के बिल्कुल। क्योंकि आगे मतलब पूरा सिर्फ जीप के दो पहिए दिख रहे हैं, मतलब कच्चा रास्ता होगा, तो बाइक ऑलरेडी ओवरलोड है, मतलब बहुत ही लगेज है। तो फिर हमने सोचा कि बाहर निकल के सीधा जो मेन हाईवे वाला है वही लेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत एडवेंचर ठीक है क्रूज़र बाइक में, ज़्यादा एडवेंचर महंगा पड़ सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो उससे हमारी आगे की राइड है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये जिस तरह का रास्ता है ठीक है, अभी आप जा रहे हो लेकिन आगे चल के रेती बहुत होगी मिट्टी, तो आपका टायर अंदर धंस सकता है, तो उससे बेटर है भले थोड़ा पीछे जाना पड़े 3-4 किलोमीटर, पर मेन हाईवे ही सही है, इंटरनल रोड से। तो इसके लिए हमने यू टर्न ले लिया और वहाँ से हमारा स्पीड भी कवर हो जाएगा, तो शॉर्टकट के चक्कर में नहीं रहना है, भले थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन मेन जो रोड है पक्की सड़क
उसे ही पकड़ के चलिए, आपकी जर्नी और आसान हो जाएगी। 20-25 मिनट का डिफरेंट होगा पहुंचने में, पर वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि दुर्घटना से देर बड़ी, बस वही ध्यान में रखना है। तो ये जो मतलब जो पूरी खुली जगह आप देख रहे हो लेफ्ट और राइट में, तो इसमें ये लोग जीप सफारी करा रहे हैं। और आपको वहाँ पर दिख रहा होगा पैराग्लाइडिंग जो मैंने आते टाइम पे दिखाया था। और जहाँ हमारी राइड का डे 3 है जैसलमेर राजस्थान में, क्योंकि कल हम चले जाएंगे अपने घर को संडे को, और आज है सैटरडे। जगह पे जीप का सफारी कराते हैं अंदर जाके, क्योंकि पूरा बंजर जमीन और थोड़ा बहुत डेजर्ट जैसा, एक्चुअल डेजर्ट तो नहीं कह सकते, ये पता नहीं वो लोग कहाँ ले जाते, लेकिन एक दो को मैंने देखा इसी जगह पे चलाते हुए ऑफ रोडिंग वाला। और जितने भी ऐसे खुले मैदान है वहाँ पर ज़्यादातर कैंप है। इसी रास्ते से हम पहुंचेंगे लॉन्गे वाला, बीच में कहीं थोड़ा बहुत टूटा फूटा रोड आ गया, बाकी ओवरऑल ठीक है, इतना खराब भी नहीं है। એટલે પેલું ગ્યાધી દે અંદર બાય બાય। સો યહાં પે આપ દેખ રહે હો સારે કેમલ। સો યે કેમલ પે યહાં પે ડેઝર્ટ રાઇડ કરાતે હૈ, તો એક્ચ્યુઅલી યે જો હૈ એક્ચ્યુઅલ ડેઝર્ટ યહાં પે લગ રહા હૈ। तो इतने सारे केबल कैमल है, काट है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, दिख रहा होगा आपको ऊपर की तरफ कैमल लेके गए हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सफ़र कराएंगे, लेकिन महंगा है। तो ये मतलब पूरा डेजर्ट एरिया ही है जहाँ से हम अभी गुजर रहे हैं। ये सब रेत के टीले हैं बड़े बड़े, जिसमें आप कैमल के ऊपर बैठ के सफारी करोगे। और अभी तक थार का एक भी मैंने देखा नहीं कि ऐसे डेजर्ट में थार चला हो, क्योंकि सारे कैमल ही दिख रहे हैं और राइट साइड में कैंप है। तो ये सीधा रास्ता जाएगा हमारा लोंगेवाल वॉर म्यूजियम। तो ये सब कैमल
रास्ता देख रहे हो वो सीधा जाएगा लौंगेवाल, और मतलब कितना एकदम मक्खन रोड है, मक्खन। हम पहले जहाँ पे हमने फोटो लिया वहाँ से 76 किलोमीटर दूर था, यानी बजाज एवेंजर को अगर आप 70-75 या 80 की स्पीड में कंटिन्यूसली चलाते हो तो जो मैंने चेक किया है कि एक घंटे में 70-75 किलोमीटर एवेंजर कवर करता है। तो हम लोग ने 11 बजे जहाँ देखा था वहाँ पे 76 बता रहा था लौंगे वाला, और अभी बजे 11:30, तो 12 बजे तक हम जो है लौंगे वाला पहुँच जाएंगे, लौंगे वाल सॉरी। पर आप रोड देखिए कितना बढ़िया है, और उसके बाद तनोट तो और भी नज़दीक हो जाएगा। तो रोड देखिए कितना बढ़िया है, आसपास बंजर जमीन के बीच से निकाला है, मतलब 70-80-85-90 की स्पीड पे कंटिन्यूसली जा सकते हो। एक्चुअली मैं अपना थ्रॉटल लेना भूल गया, नहीं तो ये रोड पे थ्रॉटल में बहुत ही मज़ा आता। तनोट है 100 किलोमीटर तनोट है अभी, तो मतलब हम हमारी मंजिल से काफ़ी करीब है। तो मैंने चालू इसके लिए किया कि आपको रोड कंडीशन पता चले कि कितना बढ़िया शानदार अच्छा सा रोड है, मतलब दूर दूर तक आपको पूरा सामने रास्ता दिखेगा, कोई गड्ढा नहीं है, कोई पैचिस नहीं है, कोई टूट फूट नहीं है। मतलब हमें हमारा जो डेजर्ट कैंप है उसके बाद जैसे ही ये रोड लिया है पूरा मक्खन रोड एकदम स्मूथली चले जाओ, आपको मतलब थकान भी फील नहीं होगी। और मैं आपको सही में बताऊँ ना, एवेंजर का पैसा ऐसे रोड पे वसूल है। क्रूजर बाइक जो होता है ना वो ऐसे रास्ते पे मस्त चलता है एकदम मक्खन जैसा, बिना टेंशन के आराम से, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप कोई लग्जरी कार में बैठे हो और वो चल रही है एकदम स्मूथली और अच्छे से जा रहा है। अभी मेरा स्पीड 83 का है, क्योंकि बीच में जो 16 किलोमीटर का हमको टाइम वेस्ट हुआ गूगल की मेहरबानी से, वो टाइम कवर करना है इसके लिए अभी मैं 80 प्लस चला रहा हूँ, क्योंकि ट्रैवलिंग में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। पर डिपेंड ऑन रोड कंडीशन, रोड का सिचुएशन कैसा है, ट्रैफिक कैसा है, उसके हिसाब से जो है आपको आपका स्पीड मेंटेन करना है, क्योंकि सफ़र का मज़ा यही है। और सच में आज ऐसा लग रहा है कि एवेंजर का पैसा वसूल हो गया, इतना ग्रेसफुली जा रहा है, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया। विंड ब्लास्ट बहुत है, लेकिन आज मैंने अंदर थर्मल पहना है और ऊपर ये जैकेट है, तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है। और ये जो विंडशील्ड है उसका बहुत बड़ा बेनिफिट हाईवे पे होता है, क्योंकि इससे जो विंड होता है वो डायरेक्टली आपके ओवर द हेड यानी सर के ऊपर से चला जाता है, तो मतलब आपको हवा का दबाव महसूस नहीं होगा कि आपको धक्का लग रहा है, प्रेशर आ रहा है। अभी मैंने 76 कर दिया, एकदम स्मूथली मतलब जा रहा है। और अब तक हमने 652 यानी 652 किलोमीटर हमारा अब तक का हो चुका है अहमदाबाद से लेकर यहाँ तक का। जाओ भाई रेस लगा लो, एकदम मस्ती से जा रहे आराम से। तो रोड दिखाना था आपको कितना बढ़िया रोड है, तो मैंने सोचा एक बार आपको लाइव कैमरे में दिखा दूँ। तो ग्लास में दिख रहा होगा हमारे सब्सक्राइबर यानी हमारे जो कंपेनियन है जो हमें कंपनी दे रहे, जिनको
डिजायर थी कि आपके साथ एक राइड करना है, तो हमारे पीछे ही आ रहे हैं। दूर दूर तक सड़क ही सड़क है। मतलब जिसको ड्राइविंग में बोरिंग लगता है उसके लिए काम का नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है बस हम चले ही जा रहे हैं, रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो यही एक्चुअली मज़ा है तनोटे 85। तो लोंगे वाला तो बहुत जल्दी आ जाएगा। ये भाई को रेस करना है। जैसे ही मैंने स्पीड बढ़ाया, ये भाई ने उनका स्पीड और डबल कर दिया। तो मतलब ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस भी होते हैं। राइडर को कोई देखता है तो लोकल उससे भी तेज चलाएगा, उसमें हेलमेट भी नहीं है, सेफ्टी गियर भी नहीं है, फिर भी कितनी तेज़ी से जा रहे हैं 90+, वो भी कम सीसी की बाइक में। ऐसा कई बार होता है राइडर्स के साथ। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है बाइक राइड में तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। अभी यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करेंगे और डायरेक्टली मिलेंगे लोंगेवाल पे। तनोट माता के दर्शन कर दिए और ये टोटल किलोमीटर हुआ 738। रवि बजने आए दोपहर के 2 और आज हमें पहुंचना है बाड़मेर। तो जैसलमेर अभी यहाँ से 121 किलोमीटर। देखते कितने टाइम में पहुँचते हैं। 2 घंटे में पहुँच जाने चाहिए, उसके बाद बाड़मेर भी जाना है। सामने रास्ता किशनगढ़ का है, किशनगढ़ में क्या है पता नहीं। तो निकल चुके हैं तनोट माता मंदिर से और हमें पहुंचना है जैसलमेर। यहाँ से बता रहे 121। तो चलिए अभी आगे कुछ है, रुकते हैं तो ब्रेक में बातचीत करेंगे। सी यू, बाय बाय। सो दोस्तों, अभी टाइम हुआ है दोपहर के 3:40 और टोटल किलोमीटर हुआ है 792.3 किलोमीटर। और जस्ट अभी हमने इसमें पेट्रोल रिफिल करवाया 1000 रुपीज़ का। सो अभी देखना है कहां तक हम जा सकते हैं 1000 रुपीज़ में। तो अभी डायरेक्टली मिलेंगे होटल पे। तो तनोट से जब आप रामगढ़ से होके जैसलमेर अगर जाते हो तो तनोट से रामगढ़ है 54 किलोमीटर और रामगढ़ में आपको 3 पेट्रोल पंप मिलेंगे, 2 HP का, 1 SR का है। लेकिन अगर आप जैसलमेर से लोंगेवाला होके तनोट जा रहे हो तो जैसलमेर के बाद आपको कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो 2-व्हीलर 4-व्हीलर जो भी आपके पास है तो टंकी फुल करवा देना। लेकिन अगर आप रामगढ़ से होके तनोट जा रहे हो और उसके बाद लोंगेवाला जा रहे हो तो रामगढ़ में आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। और जैसलमेर से रामगढ़ है 66 या 65 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको 3 पेट्रोल पंप मिलेंगे। तो मुझे लगा कि ये जानकारी आपको बतानी चाहिए, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ऑन द राइड, क्योंकि मुझे तनोट जाने के बाद पता चला कि रामगढ़ में पेट्रोल पंप है। नहीं तो मेरे 2-3 पॉइंट ही थे तो मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लगता था कि यार क्या करेंगे। लेकिन 121 किलोमीटर ही था जैसलमेर, तो मतलब वो 3 पॉइंट में तो आराम से हो जाता है। लेकिन जब भी हम राइड पे होते हैं तो ऐसे रिस्क नहीं लेने का कि चलो चलेगा, आगे देखेंगे। जहाँ भी मिलता है वहाँ पे फ्यूल करवा देने का। तो टेंशन फ्री राइड हमेशा रखो।